फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुखसाना कुकिंग किचन में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आज अम्मी क्या बनाने वाले हो? मैं आज छोटो मिनी कचौरी बनाने वाली हूँ। मैं 100 ग्राम मूंग दाल को भिगा के रखी, अब इसको दरदरा पीस लेंगे। लिया 250 ग्राम, तो उसमें अभी इसको मैदा को मैं भिगा लूँगी। कितना चम्मच? इसमें ये आधा चम्मच हुआ। अच्छा, टोटल पूरा 1 चम्मच हुआ। अच्छा, अभी क्या डालोगे? थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा बिस्मिल्लाह बोलते हैं, अच्छा से इसको मुट्ठी बना लेंगे। और अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी से उसको बेक कर लूँगी। अभी क्या हो गया? अभी हो गया, भिगाना हो गया। क्या करोगे? अभी कपड़े से उसको ढक के रख देती हूँ, बर्तन से ढक के रख देती हूँ। अभी है थोड़ा बारीक हो गया, अभी ऐसा मिला रहा है दोनों। हाँ, चलो लेके रखी। देखो अभी मैं अखा धनिया लिया 1 चम्मच और जीरा 1 चम्मच और सौंफ 1 चम्मच। अब ये दोनों मिला के इसको थोड़ा हल्का हल्का भून लूँगी, क्योंकि अखा देंगे तो मुंह पे लगेगा। मैं पहले भून के लेगी तो अच्छा है। मैं इसको हल्का हल्का आँच में भून लूँगी, थोड़ा धीमे धीमे आँच में भूनने का, नहीं तो जल जाने का संभव रहेगा। बेसन भून लूँगी हल्का हल्का आँच में, ठीक है? 3 चम्मच 3 या 2.5 चम्मच लेंगे बस। मेरा आँच धीमे है या स्लो है गैस, क्योंकि ये चल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा इसका खुशबू आ जाएगा ले लेने का। अभी अब मैं इसमें 1 कटोरा तेल डालती हूँ, इसमें मसाला भून लूँगी, ठीक है? चलो उसके बाद क्या करोगे? अब मैं इसको थोड़ा जो मसाला जो है रखी है अब उसको डालूँगी, ठीक है? थोड़ा सा नमक डालूँगी, नमक क्या है स्वाद अनुसार, ठीक है? उसका चामुच वामुच नहीं है। थोड़ा सा मैं चीनी डालूंगी, थोड़ा सा मेरा मसाला थोड़ा खट्टा, थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा होना चाहिए, ठीक है? और ये हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और जो मसाला मैंने पीस कर रखी थी ये, तो उसको मैं चम्मच से उठा, 1 2 ये देखो डाल दे, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा चाट मसाला। जिसको देना है दे सकते, नहीं देना नहीं दे सकते, ठीक है? मैं फिर अब मैं इसको अच्छा से भून लूंगी, थोड़ा ठीक हो सूखा सूखने आया थी, मतलब खुशबू मस आ रही है इसकी रेगिनों में। अगर मेरा मेहनत इतना मेहनत कर रही है, अगर ये मेहनत का अगर आपको अच्छा लगा ये रेसिपी का बना के खाने का, खा के फिर बताने का, हाँ मेहनत भी है लेकिन अच्छा भी है। कैसा लगा आप लोग को? तो आप इसको एक लाइक करा देना, एक सब्सक्राइब कर देना और एक शेयर कर देना। क्या हो गया? अभी पूरा मसाला हो गया। अभी थोड़ा सा मैं कस्तूरी मेथी दूंगी, और मैं थोड़ा कस्तूरी मेथी ले ली तो उसको क्रश करके इसमें डाल दूंगी। डाल दिया। अभी कचौरी का देखो हमारा ये रेडी हो गया है बैटर। अभी मैं इसको गुल्ला कर लेती हूँ, मतलब क्या बोलते मालूम नहीं है, बंगाली थी खाज बोलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान, गोले गोले बना लेती हूँ, गोल गोल, वही मिनी कचौरी का गोल 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 छोटा छोटा बना लेते हैं। अभी जो मसाला ही हो गया, मसाला तो थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा है, तो इसमें तो मैं थोड़ा सा पानी है कर लूँगी। लड्डू नहीं बनाएगा तो उसका अंदर जाएगा नहीं, जिसको जितना बड़ा लेने का है लड्डू दूसरा भी वैसे ही कर लेंगे। ये देखो
दूसरा भी नौ का लड्डू बना लिया। अब मैं इसको ऐसा करूँगी कटोरा टाइप गोल कटोरा जैसा बना लूँगी। इधर का पतला होना चाहिए, नीचे का मोटा होना चाहिए, नहीं तो फट जाएगा। तो इसको ऐसा रखने का, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है ना गोल कर करके रख देने का, दूसरा भी वैसे ही करेंगे। देखो दूसरा भी वैसे ही हो रहा है पूरा। देखो मस्त हो गया एकदम। मैंने जो आटा जो है ना बाटती जो है ना बाटती आटा वो मैंने नहीं निकालूंगी, मैं उसको ऐसा ऐसा गोल गोल कर दूंगी, ठीक है। तेल चढ़ा दिया, गरम हो रहा। अभी मेरा ये देखो ये सब जो बनाना अंदर अंदर सब मिनी कचौरी बन गया। अभी इसको तलूंगी। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके जो कचौरी था उसमें तल देंगे कढ़ाई में। तेल गरम हो गया है, इसको एक एक करके पलट देती हूँ। देखो थोड़ा थोड़ा लाल लाल होने को आया है, थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा थोड़ा दिखेगा आप लोग को। मैं धीमे धीमे हाथ में तल रही हूँ क्योंकि जो रास्ते से तलेगी ना जल जाएगा, तो खाने को मजा नहीं आएगा। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी मेरे बाप को कोई कुछ मायने नहीं करना, माइंड मत करना। हाँ क्योंकि मैं बंगाली में बोलने मतलब बंगाली में मम्मी बोलते हैं तो इसलिए मम्मी हिंदी बराबर मम्मी को बोल नहीं पाते। तो आप लोग अगर मम्मी बंगाली में भी अगर बोलेंगे तो आप लोग समझ जाना कि क्या बोल रहे। अगर वो नहीं बोल पाएंगे, वो हिंदी में नहीं बोल पाएंगे तो मैं बोल दूंगी जो जो वर्ड उनको अगर नहीं आएगा तो हिंदी में, ठीक है। तो मम्मी ने थोड़ा गैस को हाई फ्लेम पे रख दिए, एक एक करके इसको अभी उल्टा लेंगे। अंदर अंदर पूरा पक गया, अभी थोड़ा लाल लाल होने बाकी है। हाँ पूरा लाल लाल हो चुका है। देखो मेरा गैस अभी भी स्लो है, अभी भी मम्मी का गैस स्लो फ्लेम पे रख दिया मम्मी ने। क्योंकि वो जल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ तो थोड़ा लाल लाल अच्छा अभी देखो ना, मस्त लग रहा है। देखो अभी क्या करोगे, हो गया रेडी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और कमेंट बॉक्स में आप लोग बना के खा के बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आप लोग को ये रेसिपी। ये देखो हमारा कचौरी का रेसिपी रेडी हो गया है। तो आप लोग को ये वीडियो कचौरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, बना के खा के बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और तब तक के लिए वीडियो देखो एकदम कुरकुरा है। देखो कुरकुरा कुरकुरा देखो कितना मस्त लग रहा है। देखो चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं बार बार बोलती रहती हूँ तो कुछ माइंड मत करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग को ये रेसिपी कैसा लगा। ठीक है बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।